हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान 17वां अध्याय, जिसका नाम है हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय। आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास को एक साथ वर्णन किया है, ठीक है। और ये चिकित्सा स्थान के जितने भी चैप्टर है ये थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इनको दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। जैसे आज हम सिर्फ हिक्का की बात करेंगे, उसके लक्षण। और सबसे पहले तो हिक्का श्वास को एक साथ वर्णन किया है, तो क्यों किया है आचार्य चरक ने? क्योंकि हिक्का और श्वास रोग में स्थान, कारण, मूल और चिकित्सा एक समान होती है, यानी एक जैसे इनका जो स्थान, मूल, कारण और चिकित्सा एक समान है, इसीलिए इनका वर्णन एक ही जगह पे किया है। और ये परम दुर्जय यानी बहुत खतरनाक व्याधियां बताई है आचार्य चरक ने। और इसको हिक्का और श्वास को आसी विष के समान, यानी जो सर्प विष है वैसे विष के समान घातक बताया है। आचार्य चरक ने दो व्याधियों के बारे में ये संज्ञा दी है, आसी विष के समान, एक विसर्प के लिए और एक हिक्का श्वास के लिए, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आसी विष के समान किसे कहा है, तो हिक्का श्वास और विसर्प के लिए। अब आता है सबसे पहले निदान। निदान वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट निदान है जो मैं उसको बता देता हूँ। दुर्बल्यम मर्माणाम घाता, मतलब कि मर्मों के आघात होने पर द्विदंद शुद्धि याति योग्यात, निष्पाव मास पिण्याक तिल तेल निसेवनात्। ये निष्पाव मास पिण्याक तिल तेल निसेवनात् इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निदान हिक्का श्वास का भी है। और जो 16 चैप्टर है पांडु, उसमें भी सेम निदान आया है, सेम लाइन के पांडु के निदान में। तो आपको ये लाइन याद रखने की, निष्पाव मास पिण्याक तिल तेल निसेवनात्। और कौन से दोष प्रकोपित होते हैं इसमें? कफ और वात, ठीक है, कफ और वात। दूसरे है रस आदि दांत हुए, स्त्रोतस, तीन स्त्रोतस ये इंपॉर्टेंट है कि प्राण, उदक और अन्न। हिक्का श्वास में तीन स्त्रोतस दुष्टि होती है, मतलब कि प्राण, उदक और अन्न की। स्थान क्या है? पित्त स्थान समुद्भव, मतलब कि पित्त के स्थान से उत्पन्न होते हैं। आचार्य बागभट ने कहा है कि पित्त का जो स्थान, मतलब कि अमाशय से उत्पन्न है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अमाशय से उत्पन्न। और आचार्य चरक ने कहा है पित्त के स्थान से उत्पन्न, यानी इसका स्थान है, ठीक है। कफ वातात्म के पित्त समान समुद्भवा, ये श्लोक आया है आचार्य चरक का। स्त्रोत दुष्टि किस प्रकार की? संग या विमार्गमन, मतलब कि पहले संग या फिर विमार्गमन। अब आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप इंपॉर्टेंट होते हैं हिक्का और श्वास दोनों के, तो हम एक साथ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हिक्का का पूर्व रूप है कंठ उर्सो गुरुत्वम, मतलब कि कंठ और उरह में गुरुता, वदनश्च कषायता, जो हमारा मुख है वो कषाय रस का हो जाता है, कुक्षी आटोप, कुक्षी में आटोप होगा हिक्का के पूर्व रूप में। श्वास, श्वास के पूर्व रूप के लिए एक ट्रिक है, जैसे आना पार्श्व में वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे, यानी आना पार्श्वशूल हृदय पीड़न, प्राणवायु का विलोमतमन, प्राणश्च विलोमतमन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। मतलब कि ये आप सबको पता है कि चरक का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है, तो चिकित्सा स्थान से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे हमारे AIAPGT एग्जाम में। तो हिक्का और श्वास का पूर्व रूप मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और माधव निदान का भी एक श्लोक आया है, जिसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि श्वास के पूर्व रूप में शंख निस्तोद, बाकी तो आचार्य चरक के समान ही है, और ये शंख निस्तोत एक अलग से बताया है आचार्य माधव ने, तो आपको ये याद रखेंगे श्वास के पूर्व रूप के बारे में। अब आता है हिक्का के भेदों के बारे में, मतलब कि वैसे तो सभी आचार्यों ने हिक्का और श्वास के पांच प्रकार बताए हैं, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही रहेगा, कोई भी आचार्य आपसे पूछे, कोई भी, सभी आचार्यों ने हिक्का और श्वास के पांच प्रकार बताए, यानी पांच भेद बताए हैं। अब हिक्का के पांच भेदों की बात कर लेते हैं। इनको पांच भेदों के नाम को याद रखने की ट्रिक है, महा गंभीर व्यक्ति शुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, महा गंभीर व्यक्ति हैं जो शुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, यानी महा से महा हिक्का, गंभीर से गंभीरा हिक्का, व्यक्ति से व्यापिता हिक्का, जो कि ये तीनों होती है, पहली तीन वो असाध्य होती हैं, और जो क्षुद्र अन्न का सेवन करते हैं, यानी क्षुद्रा और अन्नजा, ये दोनों साध्य होती हैं, ठीक है, प्रथम तीन असाध्य और आखिरी की दो साध्य होती हैं। अब आते हैं इनके लक्षणों की बात, कि महा हिक्का के लक्षण कौन कौन से हैं। जैसे क्रोति संततम हिक्का एक
द्वित्री गुणा यानी एक दो तीन वेग के साथ उत्पन्न होते हैं। स अश्रु विलुप्त नेत्रशय, मतलब कि ये विलुप्त नेत्रशय, विप्लुप्ताक्ष, विभ्रांताक्ष, ये इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं और आपको ये स्पेशली याद रखना है क्योंकि यही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आपको महाएका में है स अश्रु विलुप्त नेत्रशय। स्तब्ध शंख च्युत भ्रू, मतलब कि जो उसके शंख है वो भ्रू है वो च्युत हो जाती है और जो शंख है वो स्तब्ध हो जाते हैं। महामूल, महावेग, महाशब्द, महाबल, महावर्ड आ गया, आप उससे सीधा निकाल सकते हो कि महाहिका के बारे में आया है। ठीक है, सद प्राण हर मता, मतलब कि जल्दी ही प्राणों का हरण कर लेती है महाहिका। और आचार्य शुशु ने महाहिका को सर्वगात्र प्रकंपनी, सर्वगात्र प्रकंपनी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आती है गंभीरा हिका, गंभीरा आगे जो हिका आएंगी उनकी कहाँ से उत्पन्न होती है ये इंपॉर्टेंट है। महाहिका के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया लेकिन गंभीरा के लिए बताया है कि पक्वाश्य और नाभि से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और सोभ्यन्ति वृषम देहे, मतलब कि सोभ उत्पन्न कर देते हैं तिरवही देह में। परनष्ट बल चेतसा, मतलब कि बल और चेतस को नष्ट कर देते हैं। प्राण अंत की मता, ये भी प्राणों का शीघ्र हरण कर लेती है गंभीरा हिका। इसका उत्पन्न कहाँ से हुई है, पक्वाश्य और नाभि से, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है व्यपिता हिका, व्यपिता हिका जत्रुमूल से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने बताया कि व्यपिता हिका जत्रुमूल से उत्पन्न होती हैं लेकिन आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट ने कहा है कि शूद्रा हिका जत्रुमूल से उत्पन्न होती है। ये हम आगे देखेंगे जब शूद्रा हिका पढ़ेंगे। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है कि आहार परिणाम अंते भूयस्य लभते बलम, आहार के परिणाम यानी पाक होने के बाद इसको बल मिल जाता है। और जैसे इसमें मैंने अभी बताया था कि महाहिका में सा अश्रु विलुप्त नेत्रशय, अब इसमें आया है विप्लुताक्ष शुष्क आस्य विनामिनी, विप्लुताक्ष वो आया है वेपिताहिका के लिए, प्राणोपरोधनी इसे भी कहा है, ये प्राणों का उपरोधन करती है। सुश्रुत, वाग्भट, माधव ने वेपिता के स्थान पर यमलाहिका मानी कि वेपिताहिका नहीं मानी है। ठीक है, शुद्रा हिका, आचार्य चरक ने बताया कि वृद्धि आयस्थो चापि भुक्ते मात्र च मार्दवम, यानी भुक्ते मात्र च मार्दवम, खाना खाते ही शांत हो जाती है ये, मतलब। और हृदय क्लोम कंठ तालु समाश्रित है, हृदय क्लोम कंठ इनके आश्रित रहती है शुद्रा हिका। और सुश्रुत और वाग्भट ने कहा है कि शुद्रा हिका की उत्पत्ति जत्रुमूल से मानी है। अब आती है अन्नजाहिका, अन्नजाहिका के लिए क्या बताया कि सहसा अधिक मात्रा में अन्न या जल के सेवन करने से उत्पन्न होती है। हम एकदम कुछ भी खा लेते हैं या पी लेते हैं तो अन्नजाहिका को उत्पन्न करते हैं। न मर्म बाधा जननी, मतलब कि मर्म को बाधा उत्पन्न नहीं कराती, ये इतनी मतलब कि डेंजरस नहीं होती, इसलिए लास्ट की हिका जो होती है वो साध्य होती है। ठीक है, ना इंद्रियाणा प्रभादनी, इंद्रियों में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। और ये भी उसके लिए भी सेम है जैसे शुद्रा के लिए आया था ना भुगते मात्र च मार्दवम, इसके लिए भी आया है भुगते समय, मतलब कि खाना खाते ही ये शांत हो जाएगी। और अष्टांग हृदय ने अन्नजा हिक्का को भगतो उद्भवा यानी खाना खाने से उत्पन्न हिक्का बताई है। और आचार्य चरक ने क्या कहा था कि ये खाना खाते ही शांत हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने यहीं तक देखेंगे हम ये चरक चिकित्सा 17, ऐसे पार्ट्स में करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा याद करना। और अभी हम जैसे इसको रिवाइज कर लेते हैं, हम जो भी अभी देखा, तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 17वें अध्याय में हिक्का स्वास्थ्य का वर्णन किया है। उनको एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि स्थान, कारण, मूल और चिकित्सा हिक्का स्वास्थ्य की एक समान होती है। और परम दुर्जय कहा है, आसी विष के समान कहा है, और आसी विष के लिए विसर्प को भी कहा है, यानी हिक्का स्वास्थ्य और विसर्प के लिए आसी विष की संज्ञा आई है। निदान में इंपॉर्टेंट है कि निष्पाव मास पिण्या तिल तैल निषेवनात्, जो कि पांडु के लिए भी आया है। दोष कफवात दुष्य रसादि धातु स्रोतस, तीन स्रोतस हैं ये याद रखना, तीन स्रोतस है प्राण, उदक और अन्न। स्थान कौन कौन सी है, पित्त स्थान, और आचार्य वाग्भट ने कहा है आमाशय। स्रोतो दुष्टि संग और विमार्ग गमन, पूर्व रूप में, पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है हिक्का श्वास के, हिक्का का पूर्व रूप है कंठ और उरु में गुरुत्वा, वदनश्च कषायता और कुक्षी आटोप, मतलब कि कुक्षी में आटोप रहेगा। श्वास के लिए पूर्व रूप याद रखने की सिंपल ट्रिक है आना पार्श्व में वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे, आना पार्श्व में वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे। आना पार्श्वशूल, हृदय पीड़न और प्राण प्राणवायु का विलोमतम,
ठीक है। और माधव निदान ने एक इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, शंख निस्तोद, ठीक है। अब आते हैं भेदों की बात। सभी आचार्यों ने हिक्का श्वास के 5 भेदों का वर्णन किया है। हिक्का के 5 भेद की ट्रिक क्या है? महागंभीर व्यक्ति शुद्ध अन्न का सेवन करते हैं। महाइक्का गंभीरा व्यपिता हिक्का, ये असाध्य और शुद्र और अनजा साध्य। महाइक्का के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि एक तो वो स अश्रु विलुप्त नेत्र सा, ठीक है, और एक सद प्राण हर मता, और आचार्य शुश्रु ने इसे सर्वगात्र प्रकंपनी कहा है, ठीक है, यानी एक ही 2 या 3 वेग से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। महामूल, महावेग, महावाहवर्ड आया तो वो महाइक्का के लिए। अब आता है गंभीरा। गंभीरा पक्वाश्य और नाभि से उत्पन्न होती है, शोभ अंति वृषम देहे, यानी शोभ उत्पन्न कर देती है देह में, पर नष्ट बल चेतसा, बल और चेतस को नष्ट कर देती है, प्राण अंत की मता, ये भी प्राणों का नाश कर देती है। शिगर व्यपिता हिक्का जत्रु मूल से उत्पन्न, चतुर्विध अन्न पान के सेवन से उत्पन्न होती है, और आहार के परिणाम अंत में इसको बल मिल जाता है, यानी भोजन के पचने पर ये तीव्र हो जाती है। और भी और विलुप्ताक्ष शुष्क आस्य विनामिनी, ये वर्ड आया है व्यपिता के लिए, और शास्त्र विलुप्त नेत्र से महाहिक्का के लिए। सुश्रुत, बागभट और माधव ने व्यपिता के स्थान पर यमला हिक्का का नाम माना है, यानी इसके स्थान पर यमला हिक्का मानी है। शुद्र हिक्का वृद्धि आयसो भुक्ते मात्र चमार्थो, यानी खाना खाने ही शांत हो जाएगी, और हृदय क्लोम कंठ चैतालु चश्माश्रिता, इनके आश्रित रहती है शुद्र हिक्का। और आचार्य सुश्रुत और बागभट ने कहा है शुद्र हिक्का जत्रु मूल से उत्पन्न होती है। अन्नजाहिका, अन्नजाहिका सहसा एकदम से, मतलब कि जल या अन्न का सेवन कर लेने से उत्पन्न होती है, मर्मों को बाधा नहीं पहुंचाती, इंद्रियों में बाधा नहीं पहुंचाती, और भुगते समय यानी पीने से या खाने से शांत हो जाती है। लेकिन आचार्य बागभट ने कहा है अन्नजाहिका को भगतो उद्भव, यानी खाना खाने के बाद उत्पन्न हिक्का को हम कहते हैं अन्नजाहिका आचार्य बागभट के अनुसार। तो इस प्रकार आज हमने देखा हिक्का के लक्षण और हिक्का श्वास का एक साथ वर्णन क्या है और उसके संप्राप्ति और उनके पूर्व रूप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।